भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन से नाम वापस ले लिया है। फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले हरभजन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि वह इस साल की टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने जा रहे हैं। पीटीआई से बात करते हुए हरभजन के एक दोस्त ने बताया कि ये चेन्नई के कैंप में हुए कोविड के केस की वजह से नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी और 3 महीने की एक छोटी बच्ची भारत में है, तो वे ऐसे में अपना दिमाग खेल में नहीं लगा पाएंगे। हरभजन ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस साल मैं निजी कारणों की वजह से आईपीएल में नहीं खेल पाऊंगा। यह बहुत ही मुश्किल वक्त है और कुछ निजी वक्त चाहता हूं जिससे कि परिवार के साथ वक्त बिता पाऊं। सीएसके मैनेजमेंट ने काफी समर्थन किया है, मैं उनके लिए एक बेहतर और सुरक्षित आईपीएल की दुआ करता हूं। हरभजन ने इस फैसले के बाद ये बताया कि जब मैंने सीएसके के मैनेजमेंट अपनी प्राथमिकता को समझने के लिए कहा तो उन्होंने काफी समर्थन किया और मैं इसके लिए उनका जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम होगा। इससे पहले टीम के अनुभव बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी इस सीजन में न खेलने का फैसला लिया था। यूएई जाने के बाद विवाद की वजह से रैना ने टूर्नामेंट से नाम वापस लिया था। हालांकि अब उन्होंने दोबारा वापसी के संकेत दिए हैं, लेकिन इस पर चेन्नई की टीम मैनेजमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया है।